आइए बच्चों, अभी हम आज की क्लास शुरू करते हैं थर्ड क्लास के लिए, जो कि फर्स्ट टॉपिक है आपका, क्या है? नंबर सिस्टम। वही जो आपने पिछली क्लास में किया था, इन बिटवीन नंबर्स, टेबल्स, काउंटिंग्स, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, अरेंजिंग द नंबर्स, वही सब हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्लास में आपने किया था कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, उसको टेबल में रिप्रेजेंट करना, वंस, टेंस, हंड्रेड, वो सब करना। आज हम बात करते हैं कि पहले लेटस रिकॉल। रिकॉल का क्या मतलब होता है? एक बार जो हमने पीछे पढ़ा था उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पीछे क्या पढ़ा था, जैसे फाइंड द मिसिंग नंबर, क्या पढ़ा था? फाइंड द मिसिंग नंबर। जैसे एक बनाते हैं, टेबल बनाते हैं छोटी सी मिसिंग नंबर्स की, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ याद आएगा। जैसे हम बात करते हैं 71 डैश 74 और आगे रहते हैं 78, 77। हाँ, तो हमने एक ये ले लिया, एक और लेते हैं 2 2 1 2 2 3, 226। इसके साथ एक और लेते हैं 670, 674। ये इनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमने किया था 71 के बाद मिसिंग नंबर्स पूरा करना है, क्या आएगा? 72, आगे 73, 74 आ चुका है, 75, 76, ऐसे ही 221 था, यहाँ पे क्या आएगा? 2 2 एंड 2, मीन्स 222। उसके बाद 23 आ गया, उसके बाद 224, उसके आगे 25, ऐसे ही ये था 670, 671, 672, 73, 4 था 675, 676 एंड 677। ये ऐसे ही हमने पिछली क्लास में किया था। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं कि हमने क्या किया था। हमने किया था नंबर्स, नंबर नेम्स एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर नेम्स एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ नंबर्स लेते हैं 1 2 3 4 7 0 7 8 9। ये नंबर्स थे, ये न्यूमेरल्स हैं, न्यूमेरल्स, इनके नेम लिखेंगे, क्या है, कैसे नेम रिप्रेजेंट होंगे? 1 100 23, है ना, ऐसे ही 470। आगे बढ़ते हैं 789। ये तो था नंबर नेम्स। अब बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म की। क्या बात करते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म की, मीन्स ये नंबर बने कैसे? 100, 10s एंड 1s, 1s, 10s एंड 100 से।
तो बात करते हैं 1, 2, 3 कैसे बना। 100 + 20 + 3 ऐसे 470 था, 470 और प्लस 0 और 780 एंड 9 था, तो 780 एंड 9 हो गया। तो ये नंबर्स हमने ऐसे बनाए। उसके आगे हमने कुछ किया था, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर एंड इन बिटवीन। क्या किया था, व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर एंड इन बिटवीन, कुछ चीजें लिख लेते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर, पहले आफ्टर लेते हैं 351 डैश 496 डैश, उसके बाद हम लिखते हैं बिफोर 372 यहाँ पे, 126 यहाँ पे, उसके बाद आता है बिटवीन 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 4, 7, 1, 4, 7, 3। सबसे पहले करते हैं ये, इसके बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर, यहां पे क्या लिखा हुआ है 351, 351 के बाद क्या आता है, काउंट करते हैं 300 एंड जस्ट आफ्टर टू क्या आएगा 352, ऐसे 496 था तो क्या आएगा 497। आगे बढ़ते हैं, इसमें था बिफोर 372 है, यहाँ पे पहले क्या आता है 371, ये 126 है क्या, यहाँ पे 126, उससे पहले क्या आता है 125। अब आता है इन बिटवीन, कि दो नंबर्स के बीच में जस्ट, एक की जस्ट बाद में और एक के जस्ट पहले क्या आता है, मीन्स इन बिटवीन, तो 123 है यहाँ पे तो क्या आएगा 124, और जस्ट उसके बाद क्या आता है 25, ऐसे 471 है यहाँ पे, जस्ट उसके बाद क्या आएगा 472, और जस्ट उसके बाद 473। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने किया था इन बिटवीन, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म की थी, अब करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं हम। अब मैं आपको लिखूंगा यहां पे एक्सपेंडेड फॉर्म, और हमें लिखनी है शॉर्ट फॉर्म, जैसे 348, 732, क्या हुआ ये 348, 732, सिंपल, इज वेरी सिंपल। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो पीछे की जो चीजें थी वो ऑलमोस्ट सारी हमने रिवाइज कर ली है, अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्या था, प्लेस वैल्यू नहीं, हम पहले बात करते हैं द ग्रेटेस्ट नहीं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर हमें अभी फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्या देखेंगे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, याद करिए पिछली क्लास में हमने क्या किया था, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर किया था, क्या था वो 999, क्या था 999। अब जैसे ही हम 999 में
वन ऐड करते हैं, ऐड करते हैं वन, वन ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, 1000। इसमें डिजिट्स काउंट करिए, 1, 2, 3 एंड 4, फोर डिजिट का नंबर हो गया। एंड ये सबसे पहला नंबर है जो कि फोर डिजिट का, इट मींस इट इज द स्मॉलेस्ट। क्या है ये स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट कौन सा, फोर डिजिट का नंबर। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क था उसका हमें आंसर मिल गया है, वो क्या है, 1000। एंड इसी के साथ जो हमने पिछले पिछली क्लास में टेबल की थी, वंस टेंस हंड्रेड्स, उसमें एक और एक्स्ट्रा जुड़ गया है, वो क्या है, थाउजेंड्स। क्या जुड़ गया है, थाउजेंड्स। अब इस 1000 को इस पे रिप्रेजेंट करते हैं, वंस पे क्या है, जीरो जीरो जीरो, और थाउजेंड पे क्या है, वन। तो ये हमने इसको टेबल पे रिप्रेजेंट कर दिया है ऐसे ही। अब जब जब टेबल जब काउंटिंग आगे करेंगे तो ऐसे ही कुछ आएगा, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। अब जब स्मॉलेस्ट की बात कर ली है तो ग्रेटेस्ट भी फाइंड करेंगे। और आपको पता ही है थ्री डिजिट का 999, टू डिजिट का सबसे बड़ा 99, वन डिजिट का सबसे बड़ा 9। तो ऐसे ही फोर डिजिट का सबसे बड़ा क्या होगा, 999 and 9, 9999। इट्स सिंपल। हाँ, अभी हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की एंड फेस वैल्यू की। हमने पिछली क्लास में भी किया हुआ है प्लेस एंड फेस वैल्यू, आपको याद होगा प्लेस एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। एक नंबर लेते हैं, उसी की हम प्लेस वैल्यू लेंगे और उसी की हम फेस वैल्यू लेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होती है, आपको याद होगा कि प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ए डिजिट एट इट्स प्लेस, है ना, जो उसके प्लेस पे उसकी वैल्यू होती है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। और फेस वैल्यू क्या होती है, जो बताया था ना कि जो चेहरे पे जो फेस जो जो डिजिट का चेहरा जो फेस रिप्रेजेंट करता है वो क्या होती है, उसकी फेस वैल्यू। हाँ, तो एक नंबर लेते हैं 8, 4, 7 एंड 3। ये हमने एक नंबर लिया और इसको हमने पहले वंस टेंस हंड्रेड्स एंड अभी हम बात करेंगे थाउजेंड्स तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स चार हैं, हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए चार ही जगह चाहिए। तो वंस पे क्या आएगा, 3, टेंस पे आएगा 7, 4 एंड 8। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज वंस पे है तो 3 वंस, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 ही होगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 किस पे है, टेंस पे, तो 70। अब बात करते हैं 4 की प्लेस वैल्यू, 4 कितने पे है, किस पे है, हंड्रेड्स पे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 400। ऐसे ही बात करते हैं 8 की, 8 कितने पे है, 1000 पे, मल्टीप्लाई बाय 1000 उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 8000। अब इसी नंबर की हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू, अब मैंने आपको बताया था कि जितना उसके फेस पे लिखा होता है वही उसकी फेस वैल्यू है। हम बात करते हैं 4 की फेस वैल्यू की, 4 की फेस वैल्यू की बात करते हैं तो आंसर होगा 4। 3 की फेस वैल्यू की बात करते हैं, आंसर होगा 3। 8 की अगर हम फेस वैल्यू की बात करेंगे तो आंसर होगा 8। सिंपल। अगर हमें बात करें कि इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, हम बात करते हैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म की, बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म एंड
स्टैंडर्ड फॉर्म हम बात करते हैं, एक नंबर लेते हैं एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म 9472। एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, मीन्स ये नंबर किस किस को जोड़ के बना है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, 2, 7, 4, 9। नंबर जुड़ के किससे बना है, इसमें क्या आ रहा है 9000। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना, वैसे इसके इसका आंसर मिल रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म मिल रही है, मीन्स 9470 and 2। ये इसकी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया है। ऐसे ही आती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या आती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक नंबर लेते हैं 7346। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये वाली फॉर्म जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये वाली जो फॉर्म होती है वो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ये वाली जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसकी बात करते हैं 7346 आंसर। हाँ आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखिएगा, आपको आपकी वर्कशीट दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।